नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोली के लर्न क्लासिकल म्यूजिक योरसेल्फ सेशन 3 में। इससे पहले मैंने 2 सेशन किए हैं और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा ऐसा रियाज करना है जिसको करने से आप तीनों लेवल पे, जो आपका लोएस्ट लेवल है, जो मिडिल लेवल है, जो हाई पिच है, तीनों पिच के पे आप कैसे अच्छे से गा पाएंगे। मोरोवर, जो हमारे गाने होते हैं, अगर हम सॉफ्ट सॉन्ग्स को भी ले, लाइट सॉन्ग्स को ले या फिर क्लासिकल सॉन्ग्स को ले, तो थोड़ा सा मंद्रसप्तक की ओर होते हैं, मतलब लोअर स्केल की होते हैं, और मिडिल स्केल पे पूरे गाने चलते रहते हैं। मिडिल रेंज में जो गाने हम इजीली गा लेते हैं, और बहुत हाई पिच पे जाते हैं तो तार सप्तक, जो हाईएस्ट स्केल होता है, उसके म या प तक जाकर फिर वापस मध्य सप्तक में लौट आते हैं। तो हम जो रियाज करेंगे अभी, वो हमारा मंद्र सप्तक के प से लेकर के प ध नी मंद्र सप्तक का लेंगे, फिर सारे ग म प ध नी पूरा हम मध्य सप्तक का लेंगे, फिर सारे ग म ये हम तार सप्तक में चले जाएंगे। तो जो इससे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको कौन सा रियाज करना है वॉइस की थ्रो को बढ़ाने के लिए, वो रियाज करते जब आपको कम से कम 10-15 दिन हो जाएं। और उसके अलावा जो मैंने आपको सारे गामा सिखाया है, सारे गामा गाते हुए जब आपको 10-15 दिन हो जाएं, उसके बाद ही ये रियाज शुरू करिए। उससे पहले करने पर आपका गला उतना खुला नहीं होगा, तो गले पर स्ट्रेस आ सकता है, स्ट्रेन आ सकता है, इसलिए पहले 10-15 दिन आप वो दोनों चीज़ों को करिए, 15 दिन नहीं तो कम से कम 10 दिन करिए उनको, और उसके बाद ये आप थर्ड स्टेज ये है इसे शुरू करिएगा। इस रियाज को करने से आप जब भी कोई गाना गाएंगे जो बहुत लो लेवल पे है, फिर वो भी मध्य सप्तक के मिडिल पिच पर आता है, फिर हाई पिच पे जाता है, फिर वापस लौट के मिडिल पिच पे आता है, फिर लोअर स्केल पे जाता है, तब आपका गला जैसे स्मूथली ऊपर नीचे आएगा जाएगा। गला जब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो वो वाइब्रेशन नहीं होगा, वो लड़खड़ाहट जैसे उस टाइप का कुछ नहीं होगा, स्मूथ होगा आपका गला, ट्रेन होगा स्मूथ होने के लिए, स्मूथ सिंगिंग के लिए। मोर ओवर एक एक नोट पर, एक एक सुर पर हम टाइम लगाकर चलेंगे, क्योंकि इस रियाज का दो हमारा ऑब्जेक्टिव है। पहला तो ये कि हम अपने गले को ऊपर नीचे गाने के लिए, ट्रांजिशन जब हो तो गले का वो ऊपर नीचे जाना पता ना चले, स्मूथली ऊपर जाए, स्मूथली नीचे आए। और दूसरा है कि हमें एक एक सुर के साउंड को समझना है कि अगर मंद्र सप्तक में बज रहा है तो किस तरह निकलता है, और कैसे स्वर आने चाहिए, कहाँ से आने चाहिए, उसको हम करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। मैंने ए शार्प स्केल लिया है, ए शार्प स्केल बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए कंफर्टेबल होगा, और इस पे हम मैं शुरू कर रही हूँ। पहले मैं सरगम में करूंगी, सरगम मीन्स सारे गामा में, उसके बाद मैं आकार में करूंगी, आकार मीन्स आ आ आ में, और उसके बाद फिर मैं आपके लिए प्ले करूंगी। तो मैं शुरू करती हूँ, और फिर मैं कुछ अच्छा शुरू करने के पहले मैं आपको ये बातें बता दूँ जो मैं ध्यान रखती हूँ अपने रियाज के टाइम, और आपको भी ध्यान रखना है जिससे हमारा गला खुलेगा, कि जब सा गा मा पा धा ये, और जब आकार में आ हम कर रहे हैं, तो सब में बड़ा आएगा आ, छोटे आ से हमारा गला खुलेगा नहीं, आ करेंगे तो गला आप खुद फील करिए आ आ, हमें अपना गला खोलना है, खुलकर गाने की प्रैक्टिस करनी है यहाँ से। तो आ आप जब बड़ा आ करेंगे तब ये खुलेगा गला। दूसरा, जब आप आ बोलेंगे तो आपका माउथ 2 फिंगर वाइड ओपन होना चाहिए, आ इस तरह से, आ इस तरह नहीं आएगा, नहीं तो गला खुलेगा नहीं, आप खुद फर्क देखिए, आ इस तरह करना है। और जब रे और नी आएगा तो रे में एक ही मात्रा जाएगी, रे ए आगे तक सुनाई देना होगा, और रेक्टेंगल टाइप का आपका ये शेप आना चाहिए मुंह का। और नी जब करेंगे तो नी ई की आवाज गूंजनी होगी उससे, और फिर से रेक्टेंगल टाइप का शेप आपका आएगा मुंह का। उसके बाद से आपको बड़ा आ सा गा मा, आवाज मोटी लग रही है उस पे ध्यान नहीं दे, अभी हमको आवाज की सॉफ्टनेस पे नहीं ध्यान देना, अभी हमें गला खोलना है, गले को, वोकल कॉर्ड्स को ट्रेन करना है। और सॉरी, और जब हम गाना गाएंगे तब उसके लिए कैसे सॉफ्टनेस पे ध्यान देना, क्या वो हम आगे करेंगे, अभी हमें सिर्फ अपने गले को ट्रेन करना है। और जितना खुलकर, जितनी मोटी आवाज में नीचे की पिच पर आप गाएंगे, उतना आपकी हाई पिच अच्छी होती चली जाएगी। तो मैं शुरू करती हूँ ये रियाज।
कम से कम 5 बार आकार में, 5 बार, 5 बार सरगम में कीजिए और देखिए आपके गले में बहुत चेंज आएगा, सिंगिंग में भी बहुत चेंज आएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हम एक्सरसाइज करने के पहले बॉडी का वार्म अप करते हैं या स्पोर्ट्स के पहले हम वार्म अप करते हैं, उसी तरह गाने के पहले हमारे गले का भी वार्म अप होना चाहिए। तो जब भी आप कोई परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं या फिर कैराओके ऐप पे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं या ऐसे ही दोस्तों के सामने गाना गाने जा रहे हैं, तो आप ये रियाज करके आकार में और इस सरगम में फिर गाना गाएं तो आपका गाना और अच्छा होगा, क्योंकि उससे गले का वार्म अप हो जाता है।
तो आप ये सारी चीजें करिए। पहले आप सा का रियाज जो मैंने आपको बताया है, रियाज विद रोली भी एक सेशन है, उसमें देख के वो सा का, हम का, ओ का, ई का, इसका रियाज करिए और उस रियाज को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। फिर सारे गामा गाना सीखिए और अपनी वोकल रेंज ढूंढिए, और उसके बाद ये करते हुए एक हफ्ता हो जाए, उसके बाद आप रियाज को कंटिन्यू रखिए और उसमें ये रियाज जोड़ दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए मेरे ये सेशन आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं कि नहीं। और आपको अगर हेल्पफुल लगते हैं जो मैं चीज़ें बताती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं चैनल को और अच्छे से आगे लेकर के चलूं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और मेरी चीज़ें आप साथ में सीख रहे हैं, तो जब भी मैंने कोई नया चैप्टर अपलोड किया, नया सेशन अपलोड किया, आपके पास यूट्यूब के नोटिफिकेशन में एक मैसेज आ जाएगा कि मैंने कौन सा चैप्टर अपलोड किया है, वो चैप्टर आप देख सकते हैं। मोर ओवर, अगर सब्सक्राइब करने के साथ आपने बेल आइकॉन को भी प्रेस किया, तो बेल आइकॉन से क्या होता है कि जब भी मैंने कोई नया सेशन डाला है, तब जैसे व्हाट्सएप या मैसेज आता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन बीप आ जाती है, वैसे आपके पास एक नोटिफिकेशन बीप आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सा सेशन अपलोड किया है और आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है कि यूट्यूब में हम चीज़ें सर्च करते हैं तो एक ही टॉपिक पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उस वक्त हमने देखा, अगर हमें अच्छा भी लगा तो हम सब्सक्राइब करने पर ध्यान नहीं देते हैं, और फिर जब कभी ज़रूरत होती है तो हम दोबारा से वही पेज ढूंढना शुरू करते हैं, फिर हिस्ट्री में जाकर ढूंढते हैं। तो अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो पेज आपको यूज़फुल लगा है वो उस पेज आपका खोएगा नहीं, और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपके यूट्यूब में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम चीज़ों को और आगे लेकर चलेंगे। धन्यवाद।